6 चैनल लाइन आउट कन्वर्टर जो कि स्टीरियो का ही इनपुट लेता है और 6 चैनल आउट देता है। बेस के लिए रशियन पीपल आर इनसेन, जैसा सबको पता ही है। सो एवटार हो गया, इन्हीं का अगर हम हायर वर्जन लेते हैं दैट्स कॉल्ड डेफ बॉन्स। So what's up people, hope you're having a great day and welcome back to my channel. So once again we are back at Car Man India and अपने साथ है सचिन जी। तो सचिन जी क्या हाल चाल है? Good. Hi friends. तो आपने बहुत अच्छा प्यार दिया हमारी पजारो वाली वीडियो पे। Thank you. देना बनता था क्योंकि वीडियो एक नंबर बनी थी और गाड़ी के तो क्या ही कहने, ठीक है। सो आज हम ऑडियो सेगमेंट पर आपको एक जीप कंपस दिखाने वाले जिसमें हुआ है SPL सेटअप, राइट? एंड उसमें हम क्या क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, थोड़ा ग्लिम्स। उसके अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं चारों डोर पे कंपोनेंट स्पीकर्स और थोड़ा सा क्रिस्प एंड क्लियर ट्रेबल के लिए 2 बुलेट वेटर्स, लाउड बेस के लिए एक 500 RMS का सबवूफर एवटार का, एक मोनोब्लॉक एम्पलीफायर एवटार, एक 4 चैनल एम्पलीफायर एवटार, ठीक है। तो ये सब कुछ इंस्टॉल करा है हमने एंड इसी के साथ जो हमारी ऑडियो आउटपुट आने वाली गाड़ी में आई गेस बहुत बढ़िया आएगी मेरे हिसाब से। एंड बाकी आप पर छोड़ूंगा, सुनकर बताना नीचे कमेंट सेक्शंस में आपको कैसी लगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्लस जीप कंपस का ऑडियो आउटपुट कैसा रहने वाला है। If you haven't subscribed this channel yet, then do subscribe and don't forget to press the bell icon so you never miss an update from SpeedySync. Like, share, comment if you enjoy this video. तो सबसे पहले बात करेंगे हमने क्या क्या इंस्टॉल करा है गाड़ी के अंदर। JL ऑडियो के कॉम्पोनेंट्स, एवटार का 4 चैनल एम्पलीफायर, एवटार का ही मोनो एम्प, डेफ बॉन्स का हमने इंस्टॉल करा है 6 चैनल लाइन आउट कन्वर्टर, उसके बाद एवटार के बुलेट ट्विटर्स हमने इंस्टॉल करे हैं। तो यही सब कुछ सामान है, छोटा मोटा तो नहीं कहूँगा, SPL सेटअप है तो अच्छा खासा सामान हमने इंस्टॉल करा है। बाकी जो अब प्रोफेशनल लैंग्वेज में हमें समझा सकते हैं वो हमारे सचिन जी। तो सचिन जी मैं चाहूँगा स्टार्ट करेंगे हम कॉम्पोनेंट से जो हमने JL ऑडियो के इंस्टॉल करे हैं। हाँ, कंपोनेंट्स के अंदर JL ऑडियो इज़ अमेरिकन ब्रांड और अपने आप में बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर साउंड है इन कंपोनेंट्स की। इनको हमने ड्राइव दिया है एक एवटार के 4 चैनल एम्पलीफायर के साथ। अब क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट था थोड़ा सा लाउड ट्रेबल, अभी फ़िलहाल हमने इस मोनोब्लॉक के साथ जो कि 1000 वाट RMS का है, एक 500 वाट्स RMS का एवटार का सबवूफर ऐड किया है जो कि फ्यूचर में हम इसको डबल करेंगे, यानी कि 2 500 वाट RMS सबवूफर्स फॉर अ 1000 वाट मोनो। So this is one perfect compatible हमारे स्पूफर्स हैं। Now coming to the tweeters part, तो हमने 2 बुलेट ट्वीटर्स ऐड करे हैं because definitely जब अब सबवूफर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा बेस would be pretty loud। तो लाउड बेस के साथ एक लाउड ट्रेबल का मज़ा ये लगाता है, that is the reason we are adding 2 बुलेट ट्वीटर्स। हाँ, अब जीप कंपस के अंदर क्योंकि फैक्ट्री फिटेड सिस्टम है, वही सिस्टम है, हम लोगों ने सिस्टम को चेंज नहीं किया टू पायनियर। सो वी हैव एडेड अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो कि भी डेफ बॉन्स ने लेटेस्ट लॉन्च किया है। दिस इज़ अ डेफ बॉन्स 6 चैनल लाइन आउट कन्वर्टर। जनरली अभी तक मार्केट के अंदर 2 चैनल कन्वर्टर्स आते हैं। दिस इज़ अ 6 चैनल लाइन आउट कन्वर्टर जो कि स्टीरियो का ही इनपुट लेता है और 6 चैनल आउट देता है। सो देयरफॉर यू कैन ड्राइव योर फ्रंट, रियर एंड सबवूफर साइमल्टेनियसली। भैया अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ, बेसिक क्या यूज़ रहेगा इसका, मतलब लेमन लैंग्वेज में अगर आप किसी को समझाना चाहो। देखिए, जितने भी कस्टमर्स जो चाहते हैं कि हम फैक्ट्री फिटेड सिस्टम के साथ एम्पलीफायर्स ऐड करें, तो कई एम्पलीफायर्स होते हैं जिनके अंदर हाई लेवल इनपुट का सिस्टम कंपनी प्रोवाइड करती है, वहाँ पर इसका रोल नहीं है। बट कुछ एम्पलीफायर्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हाई लेवल इनपुट का सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पर रोल आता है हमारे कन्वर्टर्स का। अब वो कन्वर्टर 2 चैनल भी हो सकता है, 4 चैनल भी हो सकता है और 6 चैनल भी हो सकता है। सो अब बात आती है कि कौन सा हमने सबवूफर इंस्टॉल करा है गाड़ी के अंदर। दो सचिन जी हमें बता चुके हैं कि हमने एवटार का सबवूफर इंस्टॉल करा है, बट यस मेरी एक ड्यूटी बनती है कि आपको दिखाऊं कि वो सबवूफर कौन सा है। तो जो सबवूफर हमने इंस्टॉल करा है वो है ये वाला, राइट भैया? एग्जैक्टली ये वाला मॉडल है, ठीक है। 500 RMS एवटार और इसका हमने इनक्लोजर जो गाड़ी में इंस्टॉल करा है वो कस्टम इनक्लोजर है, राइट? कस्टम इनक्लोजर है, 36 हर्ट्ज पे ट्यून्ड है एंड उसको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। वेल देखो, एवटार जो है ये रशियन ब्रांड है और बेस के लिए रशियन पीपल आर इनसेन, जैसा सबको पता ही है। सो एवटार हो गया, इन्हीं का अगर हम हायर वर्जन लेते हैं दैट्स कॉल्ड डेफ बॉन्स। डेफ बॉन्स में हैनिबल सीरीज आती है, डेफ बॉन्स में मचेटे सीरीज आती है, ऐसे इनकी काफ़ी सारी रेंज आती है जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करवा सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 300 वॉट आरएमएस, देन 500, 1000 एंड अप टू 5000 वॉट आरएमएस। जैसे रशियन ब्रांड की हमने बात करी, उसके अंदर हमारा एक एवेटार आ गया, एक डेफ बॉन्स आ गया, ऐसे ही वूफर्स के अंदर अमेरिकन लीडर, जैसे सबको पता ही है, डिजिटल डिजाइंस डीडी, ये एक अमेरिकन लीडर है। इनके भी प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 212, 612, 712 एंड बियॉन्ड, 300 वॉट आरएमएस, 600 वॉट आरएमएस, 1200, और जिस कस्टमर का जितना बजट हो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना ब्रांड एंड पावर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहीं तक थी प्रोडक्ट्स की बात, आपको सारे प्रोडक्ट्स मैंने दिखा दिए हैं एंड सचिन जी ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाया किसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या पावर है एंड कस्टमर का टेस्ट कैसा था, जिसकी वजह से हमने उसको ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करके दी हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ एंड देखते हैं कि वहाँ पर सारी इंस्टॉलेशंस कैसे करी गई हैं, क्या फिटिंग परफेक्ट है नहीं है, वो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सीधा चलते हैं वहाँ पर। ये खड़ी अपनी जीप कंपस। सो इसके अंदर जो हमने ऑडियो सेटअप करा है वो ऑलमोस्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। नाउ इट्स टाइम कि आपको समझाया जाए कि कहाँ क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं। सो फ्रंट डोर की बात करें तो सबसे पहले स्टॉक पोजीशनिंग पर ही हमने इसका मिड बेस प्लेस करा है एंड ट्विटर इसका यहाँ पर रहने वाला है एंड सेम गोज फॉर दैट डोर ऑल्सो। ना एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चीज़ मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। अगर आप कभी भी प्लेसमेंट करवा रहे हो अपने इस मिड बेस की एंड अपने एक ट्विटर की, तो कीप इन माइंड वन थिंग कि इनका जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी इन बिटवीन 12 इंचज़ टू 24 इंचज़, जो कि यहाँ पर बिल्कुल जस्टिफाई होता हुआ आपको नजर आएगा कि दिस इज़ नॉट मोर देन 24 इंचज़। हम चाहें वी कैन प्लेस इट ओवर हेयर ऑल्सो, बट जो उसकी साउंड क्वालिटी आएगी वो बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं लगने वाली, क्योंकि ट्विटर्स का मेन पर्पस होता है कि जो साउंड इसमें से निकले, जो ट्रेबल इसमें से निकले, वो सीधा आपके ईयर्स से कनेक्ट हो एंड एक बहुत बढ़िया आपको आउटपुट मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बुलेट ट्विटर्स है हमने इस वाली स्टॉक लोकेशन पर ही प्लेस करें। दिस जो आपको नेट नजर आ रही है, ये वाली जो प्लेस है इसके अंदर ही प्लेस करे हैं। एंड वाई हेयर, तो इसका रीजन सिर्फ ये है कि जब इसमें से साउंड ट्रैवल करेगी, जब साउंड निकलेगी, इट विल हिट दी विंड स्क्रीन एंड अगेन यहाँ से ट्रैवल होते ही सीधा आपके पास आएगी एंड येस अगेन बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिलने वाला है। एंड दिस इज द ओनली रीजन वी हैव प्लेस्ड दी बुलेट ट्विटर्स ओवर हेयर। प्लस इसका एक और एडवांटेज ये रहेगा कि कहीं पर भी आपको दूसरे लगे हुए नजर नहीं आएंगे। लाइक पीपल डू गो फॉर पॉड्स एंड यहाँ पर प्लेसमेंट करवा देते हैं अपने ये वाले पिलर्स के ऊपर, बट येस हमने उनको हिडन पोजिशनिंग पे रखा है जो कि बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्लस जो इनका आउटपुट होगा वो भी कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रियर डोर्स की बात करें तो अगेन मिड बेस जो है हमने नीचे प्लेस करा है स्टॉक पर एंड ऊपर जो ट्विटर है वो यहाँ पर प्लेस करा गया है। अगेन दिस इज अ परफेक्ट लोकेशन फॉर प्लेसिंग योर ट्विटर्स। सो स्पीकर्स की बात हम कर चुके हैं खत्म। अब बात आती है कि एम्पलीफायर्स कैसे प्लेस करेंगे गाड़ी के अंदर। सो हेयर आर दी एम्पलीफायर्स, वन इज ओवर हेयर एंड दी अदर इज दैट साइड, ठीक है। सो ड्राइवर साइड के नीचे हमने जो एम्पलीफायर प्लेस करा है वो है एक मोनो ब्लॉक। नाउ टॉकिंग अबाउट दोज वायरिंग्स, तो वायरिंग्स बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड आपको नजर आ रहा होगा, परफेक्टली सॉर्टेड एंड क्लीन वायरिंग करी गई है बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर आपकी RC लीड्स आ जाती हैं। सो हेयर इज दी 4 चैनल एम्पलीफायर जो कि अगेन एवेटार का रहने वाला है, प्लस डेफ बॉन्स का 6 चैनल लाइन आउट कन्वर्टर हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है जो कि अभी तक आपने नहीं देखा होगा एंड स्टिल मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ आपको प्रॉपरली दिखाने की। सो ऐसा कुछ लाइन आउट कन्वर्टर रहने वाला है एंड अगेन दिस इज अ 6 चैनल लाइन आउट कन्वर्टर। एंड अगेन एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो आपकी वायरिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लीन सॉर्टेड है। थोड़ा पास से भी लुक चेक कर सकते हो आप। So talking about the last product installed in this Jeep Compass is your Avatar's subwoofer with a custom enclosure जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। एंड अगेन बहुत ज़्यादा क्लीनली इसको इंस्टॉल करा गया है विद नो वायरिंग्स विजिबल एट ऑल। प्लस ये कस्टम इनक्लोजर है जिसका होल पास यहाँ पर रखा गया, यानी कि इसकी जो फायरिंग है इट्स टूवर्ड्स दी बूट लिड। सो लेट्स गेट इनटू द म्यूजिक सिस्टम एंड एक बढ़िया सा आउटपुट सुनते हैं कि ये गाड़ी क्या प्रोड्यूस कर रही है। सो नाउ इट्स टाइम के इस वीडियो को रैप अप करा जाए एंड जो भी ऑडियो आउटपुट था वो आप सुन चुके हो जो हमने जीप कंपास के अंदर करा है। मेरे हिसाब से इट वाज अ परफेक्ट ऑडियो आउटपुट अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। अच्छा सच प्राइस की बात आती है तो प्राइस कितना लगाया हमने इसके ऊपर? इस गाड़ी के अंदर जो टोटल सेटअप इंस्टॉल किया गया है इंक्लूडिंग द एंटायर ऑडियो सेटअप, इसका कॉस्ट आता है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, बाकी डेफिनेटली हर ब्रांड पे डिस्काउंट्स होते हैं, जो भी डिस्काउंट्स होंगे वो जब कस्टमर हमारे पास आता है तो एज पर दी पैकेजेस हम लोग कस्टमर को ऑफर करते हैं। तो इस 1 लाख के अंदर इट इंक्लूड्स ऑल योर लेबर चार्जेस, डैम्पिंग, एवरीथिंग, राइट? जब भी हम बात करते हैं ऑडियो सेटअप की तो हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वायरिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सारा इंक्लूडेड होता है विद दी प्रोडक्ट्स। परफेक्ट परफेक्ट। अगर आपको ऐसा ही बढ़िया ऑडियो सेटअप करवाना है तो आपको आना पड़ेगा कार मैन इंडिया पर। सर एड्रेस क्या रहेगा? एड्रेस B20 न्यू मुल्तान नगर, मेन रोहतक रोड, पश्चिम विहार। फोन नंबर एंड वर्किंग आवर्स प्लस वर्किंग डेज। फोन नंबर 9811106950। वर्किंग आवर्स हमारे मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 8 o'clock। वेडनेसडे हमारा ऑफ रहता है तो वेडनेसडे की माफ़ी चाहेंगे आपसे, हम आपको आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। बाकी रेस्ट ऑल डेज विद यू। सो जो गूगल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं से भी चलोगे तो सीधा कारमैन इंडिया के बाहर आओगे एंड इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्लेस फ्रॉम माई साइड। आपको पूरी संतुष्टि मिलेगी, आपका स्पीडी सिंह आपको ऐसा रिकमेंड कर रहा है। सो विद दिस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वो रेड कलर का बटन दबाकर, एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम स्पीडी सिंह। तो अगर आपको चाहिए मेरे चैनल के अपडेट्स तो आप इन 2 सोशल मीडियाज पर मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड विद दिस स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, साइनिंग ऑफ स्पीडी।